तो तुम लोगों को पता होगा भाई, मेरे घर पे कब्जा हो चुका है। और ये कब्जा किया है किसी लॉस गैंग वालों ने नहीं, किसी भाई खतरनाक बंदे ने नहीं, ये कब्जा किया है पुलिस वालों ने। अब इसके पीछे की क्या कहानी है वो तुम्हें पता हो गया अगर तुम लोगों ने लास्ट वाली वीडियो देखी है तो, बट अगर नहीं देखी तो मैं फटाफट से याद दिला देता हूँ। भाई हुआ कुछ यूं था कि मैंने पुलिस वालों से 100 करोड़ का लोन लिया था और लोन के बदले मैंने अपना घर रख दिया था कि भाई अगर पैसे नहीं दे पाया तो पुलिस वालों मेरा घर ले लेना, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि भाई एक महीने में 100 करोड़ इनके दे दूंगा मैं। बट अफसोस की बात है, मैं नहीं दे पाया एंड लास्ट टाइम पुलिस वाले आ गए थे मेरे घर पे और उन लोगों ने कब्जा कर लिया है भाई और मुझे मेरे घर से ही निकाल दिया है। तब से मैंने सोचा कि चलो 100 करोड़ इकट्ठे करके और मुंह पे मारते हैं पुलिस वालों के और अपने घर से भगाते हैं। बट 100 करोड़ इकट्ठा ना कोई बच्चों का खेल नहीं है भाई, हालत खराब हो गई, लेकिन 1 करोड़ भी इकट्ठे नहीं हुए। उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, पुलिस वालों को मजबूर कर देते हैं अपने घर से भागने के लिए। और उसके लिए मैंने प्लान बनाया कि भाई 100 चूहे छोड़ूंगा मैं अपने घर के अंदर, ताकि पुलिस वालों के जो भी कागज वागज है वो चूहे कुतर दे और परेशान कर दे पुलिस वालों को, ताकि उन पुलिस वालों को वहां से भागना पड़े। बट पुलिस वाले और भी ज्यादा चालाक निकले भाई, वो चूहों को खत्म करने के लिए बिल्ली ले आए और सारे चूहे खत्म कर डाले। फिर मैंने सोचा कि एक सेकेंड जरा पता लगाते हैं आखिरकार ये पुलिस वाले मेरे घर को इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहते हैं। एंड देन मुझे पता चलता है भाई कि ये पुलिस वाले जो है मेरे घर को इस इलाके का पुलिस स्टेशन बनाना चाहते हैं। यस एवरीवन, यस पुलिस वाले भाई इस इलाके का पुलिस स्टेशन बनाएंगे मेरे घर को एंड वहां पर जेल भी बनाएंगे, फिर एक ऑफिस भी बनाएंगे। मतलब मेरे घर को पूरा कब्जा करने के बाद पूरा ट्रांसफॉर्म करने का इरादा बना रखा है उन लोगों ने। बट मुझे ये सब होने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे घर पर उन लोगों ने पुलिस स्टेशन बना दिया देन भाई अपना घर वापस ले पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। अबे तुम लोग ही सोचो यार, मेरे घर पे पूरी तरीके से मान लो 2-3 मंजिल तक का पुलिस स्टेशन बना दिया, जेल वेल बना दी, मस्त पुलिस स्टेशन चलने भी लग गया, फिर मैं अपना घर वापस कैसे ले पाऊंगा यार। इसीलिए पुलिस स्टेशन बनने से पहले मुझे कुछ भी करके भाई पुलिस वालों को भगाना है और अपना घर वापस लेना है। बट बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है यार मुझे ये टास्क, ना जाने कैसे होगा ये टास्क। मैं सीरियसली मैं कंफ्यूज्ड हूँ इस वक्त। पुलिस वालों ने भाई सीरियसली में प्लानिंग व्लानिंग सब कुछ कर लिया है, उन लोगों ने भाई जेल तो बना ही दी है, मेरा जो गैराज था उसके गैराज के दरवाजे को उखाड़ के वहां पर अभी एक टेम्प्ररी जेल बना दिया है। और बाकी मैं लास्ट टाइम जब सफाई वाला बन के गया था तब मैंने एक्सप्लोर किया था अंदर, भाई कंप्यूटर लगा के पूरी तरीके से काम शुरू भी कर दिया है पुलिस स्टेशन वाला, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत चीज है यार। मेरे घर पे कब्जा कर लिया नालायकों ने, कुछ भी करके अपने घर को बचाना तो पड़ेगा। ये देखो भाई पुलिस की कितनी सारी गाड़ियां रखी हुई है वहां पर। यस बहुत ही खतरनाक कब्जा किया है इन लोगों ने, बट मुझे मेरा घर वापस चाहिए और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़े वो मैं करूँगा। मैंने तुम लोगों को लास्ट टाइम बताया था भाई, देखो अपना घर अगर मुझे वापस लेना है तो वो 2 तरीकों से ले सकता हूँ। पहला तरीका, पुलिस वालों को 100 करोड़ दे दो, बट ये ऑलमोस्ट नामुमकिन है, मैं कहाँ से लाऊं 100 करोड़, इसलिए ये तो भूल ही जाओ। दूसरा तरीका है पुलिस वालों को मजबूर कर दो यहाँ से भागने के लिए, जिसमें मैंने एक आइडिया यूज़ किया था चूहे वाला, बट वो कुछ वर्क नहीं कर पाया भाई। अब बारी है सेकेंड आइडिया की, और सेकेंड आइडिया है गाइस घोस्ट। यस बहुत ही तगड़ा प्लान सोचा है मैंने। देखो गाइस, देखो किसी भी घर में मान लो कोई फैमिली रहने गई या फिर बहुत सारे बंदे रहने गए और उस घर को अगर खाली करवाना है तो वो कैसे करवा सकते हैं? भूत की अफवाह फैला दो भाई कि यहाँ पर कुछ तो हुआ था, कोई बंदा था और जल वल गया, मर गया, वो घर में आग लग गई और तब से उसकी आत्मा भटकती है, ऐसा कुछ तो भाई खौफ फैला दो, ठीक है। उसके बाद जब ये खौफ फैल जाएगा और जो भी उस घर में बंदे रह रहे होंगे उनको अगर हल्की सी कुछ भी आहट भी हुई ना भाई, वो बंदे डर जाने वाले हैं बुरी तरीके से और वो लोग घर छोड़ के भाग जाएंगे। एग्जैक्टली इसी प्लान का मैं यूज करने वाला हूँ। वो कैसे? देखो मैं किसी बंदे को अभी पैसे देके और पुलिस वालों से जाकर ये कहने को कहूँगा कि भाई तू जाके कह दे कि इस घर में पहले कभी भूत रहा करता था, ठीक है। वो बंदा ऐसा कुछ रह देगा? आई नो पुलिस वाले यकीन नहीं करेंगे। फिर आज रात को मैं भूत का गेटअप लेके एंड पुलिस वालों को डराने की कोशिश करूँगा, जो डरेंगे भाई पुलिस वाले बुरी तरीके से, कभी दोबारा जिंदगी में नहीं नाम लेने वाले इस घर में आने का। तो इसीलिए ये प्लान सबसे बेस्ट है, आ जाओ भाई एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक बंदा ढूंढना पड़ेगा यार, जो पैसे लेके पुलिस वालों से ये जाके कहे कि भाई इस घर में भूत है, और वो बंदा मुझे आसानी से मिल जाएगा। इधर गई, हेलो सर, एक्सक्यूज मी, 2 मिनट बाद सुनोगे क्या? सर 2 मिनट प्लीज। अरे यार भाग गया ये, रुको रुको किसी और को रोकता हूँ। ओके एक और बंदा आ रहा है भाई,
अबे यार ये पैसे लेके काम तो कर देगा मेरा, लेकिन ये तो खुद बेवड़ा सा लग रहा है। इसकी बातों पर यकीन करेंगे पुलिस वाले? कर लेंगे यार, ठीक है। हेलो एक्सक्यूज मी सर, मुझे आपसे छोटा सा एक काम करवाना था, करोगे क्या? ओके सर मेरी बात ध्यान से सुने, इधर आओ, कूपचे में आओ, कूपचे में आपको कुछ राज की बात बतानी है, इधर आओ। ये बंदा तैयार हो चुका है, अच्छे से मैंने तुझे समझा दिया, समझ में आ गया ना क्या बोल रहे हैं तुझे पुलिस वालों से? ठीक है आ जा भाई, तुझे बाइक पे ले जाके छोड़ता हूँ पुलिस वालों तक, एंड देन ये पुलिस वालों को डराने का काम करेगा, एंड जो बाकी सारी चीजें हैं वो आज रात को मैं करूंगा। ये प्लान अगर बढ़िया तरीके से वर्क कर गया ना भाई, मैं बता रहा हूँ एक दिन के अंदर मेरा घर खाली हो जाएगा और पुलिस वाले मेरे घर को छोड़ के भाग जाएंगे। बैठ जा लौंडे, बाइक पे बैठ 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 फटाफट बैठ। ओके चलो 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 भाई आराम से। एक्सक्यूज मी आंटी, हटो साइड में, हटो भाई साहब, घर की तरफ पहुंचने वाले हैं भाई। चल बे, मैं तुझे यहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, और बाकी आगे तू पैदल जा, पुलिस वालों को ऐसे डरा और फिर वहां से चुपचाप निकल जाइयो, ठीक है ब्रदर? बढ़िया, अब जा यहाँ से पैदल, जा 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 जल्दी, और किसी को बताइयो मत ये सब बोलने के तुझे पैसे मिले हैं, ठीक है? बढ़िया, बाकी मैं इस बंदे पे नज़र रखता हूँ और ये पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि जो भी मैंने इसे समझाया है ये वैसे ही जाके पुलिस वालों को बता रहा है या फिर नहीं। आई गेस वैसे ही बताएगा यार, इतना तो भरोसा है इस बंदे पे। ओके चलो भाई गया, ओके आई गेस वो पहुँच गया, चलो हम भी चलते हैं भाई उसकी बातें सुनने के लिए। ओके मैं भी आ चुका हूँ भाई। ओ यस बता रहा है, ज़रा सुनते हैं जैसा मैंने इसे बोला है वैसा ही कुछ कर रहा है कि नहीं। ओके एग्जैक्टली भाई वही सारी बातें बता रहा है। ये बता रहा है कि ये घर हॉन्टेड है, यहाँ पर जो भी पहले रहने आया है उस बंदे को ये घर छोड़ के भागना पड़ा है, और वही झूठी मूठी कहानियाँ बना रहा है कि यहाँ पर एक फैमिली रहती थी, उसमें आग लग गई, फैमिली टपक गई, वही फैमिली की आत्मा भटकती है, वैसे वैसे दुनिया भर का भाई झूठ फैला रहा है। बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है लौंडे तू। ओके नाइस, पुलिस वाले बस यकीन कर लें। चलो भाई वो बंदा बहुत सारी चीज़ें बोल के चला गया। यस मैंने पहले उससे पैसे दे दिए थे भाई, तो वो चला गया अपना बोल बाल के। और अब जो बाकी देखो अपने इस प्लान में 20-30% काम हो गया है, अब बचे कुछ जो 70-80% काम है वो मुझे करना है, और वो कैसे करना है? भूत का गेटअप लेके। यस मुझे भूत बन के आना है भाई रात को, एंड देन पुलिस वालों को डराना है, एंड ऑब्वियसली कोई भी बंदा डर जाएगा यार, शायद पुलिस वाले भी डर जाएंगे। बस बस फिर क्या, मेरा घर खाली हो जाएगा, क्या बात है। या फिर मान लो आज अगर खाली भी नहीं हुआ, मान लो ये डरे और फिर भी खाली नहीं किया, कल रात को फिर से आके डरा देंगे। अबे भाई दो रातों में तो कोई भी खाली कर देगा किसी भी हॉन्टेड हाउस को, ये प्लान मेरा डेफिनेटली वर्क करेगा। तो चलो भाई भूत का गेटअप लेने के लिए मुझे कपड़े चाहिए अच्छे वाले, और यहाँ लॉस सैंटोस में सबसे बेहतरीन वाले कपड़े मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं भाई, एक सेकंड रुको मैं खुद भूल गया। हाँ वहाँ चलते हैं, वो बीच वाले रोड पे, बीच की तरफ एक रोड है, नहीं बीच की तरफ नहीं मतलब एग्जैक्टली बीच पे जो वो बगल में रोड है जहाँ पर मास्क वगैरह बिकते हैं भाई, वहाँ पर डेफिनेटली एकदम मस्त भूतों वाला ड्रेस मिल जाएगा, तो वहाँ से वो ड्रेस लेते हैं, एंड मैन इन बंदों को डराते हैं भाई आज रात को 12 बजे एग्जैक्टली। यस लेट्स गो। ओके ओ भाई साहब क्या ड्रिफ्ट थी ये, बस पहुंच गया ये रहा बीच। ओ ओ ओ आराम से आराम से आराम से। और तुम लोग सोच रहे हो कि बीच पे भूतों वाली ड्रेस कैसे मिलेगी? एक्चुअली में यहाँ पर यार बहुत सारे बंदे वो शॉपिंग वगैरह के लिए आते हैं डिफरेंट चीज़ों की, उसमें बंदे कॉस्ट्यूम्स खरीदते हैं अलग अलग, तो उन्हीं सब चीज़ों में भाई ये भूत वगैरह की भी ड्रेस मिल जाती है। तो ढूंढते हैं इधर से भूत की ड्रेस आगे मिलेगी भाई शायद, चलते हैं जल्दी आगे की तरफ। एक बार बस ये प्लान वर्क कर जाए मेरा घर खाली हो जाएगा आज में ही। ओके कहाँ गई यार शॉप्स, बाकी सारी शॉप्स कहाँ हैं? ओ ये तो रही, यहाँ पर है ना भाई मास्क वगैरह की दुनिया भर की चीज़ें, यहाँ पर देखोगे इस भूत वाली ड्रेस भी मिल जाएगी और ये फेस मास्क वगैरह भी मिल जाएगा। बनते हैं क्विकली भूत, अभी नहीं अगर अभी मैं बनूंगा डेफिनेटली किसी को शक हो जाएगा। रात होने का वेट करते हैं, थोड़ी भीड़ कम होने का वेट करते हैं, एंड देन फिर चलेंगे। यस तब तक तो खूबसूरत से मौसम के नज़ारे लेते हैं, शाम हो चुकी है भाई खूबसूरत सी, एंड काफ़ी भीड़ कम हो चुकी है, ये बिल्कुल सही टाइम है भूत वाला गेटअप चेंज करने का। वैसे तुम लोग सोचोगे कि इस बैग में क्या है, इस बैग में कुछ भी नहीं है भाई, वो झाड़ू पोछे वाला सामान है, इधर ही छोड़ देंगे, और बनते हैं क्विकली एक खतरनाक भूत। ओके मैंने भूत का गेटअप तो ले लिया यार, बट मैं डरावना लग रहा हूँ, कोई बंदा मुझसे क्यों ही डरेगा? अब गर्दन दिख रही है भाई, आंखें दिख रही है, साफ साफ लग रहा है कि मैंने मास्क पहना है। यार इस ड्रेसअप से तो कोई भी नहीं डरने वाला, या फिर वेट मैं तो रात को डराऊंगा, बट स्टिल यार वो लोग पुलिस वाले हैं, मैं नॉर्मल बंदा तो डरेगा नहीं भाई इस ड्रेसअप से। कुछ और यूनिक करना पड़ेगा, बट क्या यार
कोई ढंग का मास्क ही नहीं है, ये बंदर वाला मास्क पहनूं मैं, इससे तो जोकर लगूंगा मैं। ये वाला फिर भी ठीक है, मॉन्स्टर वाला ये तो और बकवास है। ये फिलहाल मैंने अभी पहन रखा है, सुअर वाला मास्क तो बिल्कुल नहीं पहनूंगा। ये मास्क भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ आगे की तरफ ही है, पूरा सर कवर नहीं करता ये मास्क, बाकी सारे वही वाले मास्क हैं। मुझे लग रहा है एक बार ये मॉन्स्टर वाला मास्क ट्राई करते हैं, मे बी ये वाला बढ़िया दिखे मेरे पे, ट्राई करते हैं। ओके, दिस इज़ मच बेटर भाई, डेविल वाला मास्क फिर भी अच्छा लग रहा है। हाँ, इसमें उतना आँखें नहीं साफ दिख रही, और इसमें गर्दन का भी उतना नहीं पता चल रहा है, थोड़ा बहुत तो पता चल ही रहा है, बट फिर भी सामने से अगर कोई बंदा देखेगा तो ऑब्वियसली पता लगा लेगा यार कि ये नकली है कोई। क्या करूँ फिर मैं, अबे ठीक है चलो यार, वैसे भी रात को डराने वाला हूँ मैं, कोई भी बंदा डर जाएगा, रुको किसी को डरा के देखते हैं। यहाँ पर एक बंदा खड़ा है चड्डी में, एंड इसे डराने की कोशिश करते हैं। ओके वेट, हेलो सर, ज़रा पीछे देखो। हो हो, अबे डर, अबे पीछे ही नहीं देख रहा वो। हेलो सर, ज़रा पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। यार भाग गया वो तो, अबे पीछे तो देख बे। एक सेकंड, सामने से डराते हैं। हेलो सर, डर लगा क्या? ओ यस, डर लगा, ओ यस डेफिनेटली डर लगा भाई, भाग गया वो। ओके यस, चलो भाई, डर गया ये बंदा, डर गया शायद, तभी तो भाग रहा है। हाँ हाँ डेफिनेटली यार, डर जाएगा कोई भी, अब यार ऐसी हरकतें करूँगा तो बिल्कुल नहीं डरेगा कोई भी। यस डेफिनेटली डर जाएगा भाई, चलते हैं आ जाओ। अब बस घर तक पहुँचते हैं, घर तक पहुँचते रात हो ही जाएगी, और रात के 12-1 बजे के करीब जब पुलिस स्टेशन में दिखेगा लाल खोपड़ी वाला भूत, सारे पुलिस वाले डरेंगे, और कल शायद पुलिस स्टेशन खाली करके भाग जाएं, या फिर अगर नहीं भागे तो फिर कल रात को डराएंगे, एंड देन फिर परसों तो भाग ही जाएंगे खाली करके। आ जाओ भाई, आ जाओ, मज़ा आएगा भाई, क्योंकि मेरा घर खाली होने वाला है फाइनली। तो रात के लगभग बज रहे हैं भाई इस वक्त 1, और मैं अभी पहुंचने वाला हूं घर की तरफ। मुझे बाइक को कहीं दूर ही रखना होगा, वरना कितना अजीब लगेगा यार अगर कोई भूत बाइक से आएगा, इसलिए बाइक को थोड़ा सा दूर ही रखेंगे और डराएंगे भाई पुलिस वालों को। वो पिकअप ट्रक मेरा ही है, पिकअप ट्रक नहीं भाई, ये मिनी ट्रक, हाँ मेरा ही है, इसी में तो चूहे भर के लाया था मैं, जो कि प्लान मेरा फ्लॉप हो गया। तुम लोग देखना भाई, अगर तुम लोगों ने मिस कर दिया लास्ट वाला एपिसोड, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। फिलहाल मैं जा रहा हूँ पहाड़ के ऊपर से डराने, यस मतलब पहाड़ के ऊपर से क्या, पहाड़ के ऊपर बाइक लगा दूंगा मैं, पार्क में नहीं रोड के किनारे पार्क कर दूंगा मैं, एंड देन वहाँ से डराने आएंगे। यस दिस इज़ बेटर प्लान, चलो आ जाओ। क्या तुम लोग तैयार हो भाई, मज़ा आने वाला है। सामने चांद एकदम निकला हुआ है, काली काली रात है, बिल्कुल डराने के लायक माहौल बना हुआ है, और वो रहे पुलिस वाले। आ जाओ भाई, आ जाओ, नीचे चलते हैं आराम से और डराते हैं। लेट्स गो। ओके वेट, हाँ यहाँ से, अब यार कुछ माहौल सा नहीं बन रहा है यार डराने वाला, क्या करूँ मैं माहौल बनाने के लिए। और रुको, मेरे पास कुछ टीयर गैस है, वो स्मोक वाले बॉम्ब है, थोड़ा स्मोक धुआं करते हैं और उसके नीचे से निकलते हैं, थोड़ा फील आएगा। ओके स्मोक ग्रेनेड्स लेके आ गया हूँ मैं, थोड़े फील के चक्कर में। आप देखो गाइस, स्मोक ग्रेनेड से होगा क्या, थोड़ा धुआं वगैरह होगा, धुएं में से ऐसे भूत निकलेगा तो ज़्यादा बढ़िया फील आएगा। ओके ये बढ़िया धुआं, अबे यार आँखों में लग रहा है ये, कोई बात नहीं। अबे फ्रैंकलिन की हेल्थ ना चली जाए भाई, क्योंकि इससे हेल्थ डैमेज होता है। कोई बात नहीं, अब एंट्री लेते हैं। पुलिस वालों, मैं आ चुका हूँ, तुम लोगों ने मेरे घर पे कब्जा करने की कोशिश की भी कैसे, तुम लोगों को पता नहीं है मैं कितना ज़्यादा डेंजरस वाला घोस्ट हूँ। जैसे ही मुझे पता लगा कि तुम लोग मेरे घर पे कब्जा कर रहे हो, मैं आ गया भाई, अब तुम लोग तो गए। अबे कुछ भाव ही नहीं दे रहे मुझे ये लोग, अबे तुम लोग तो गए, अबे कुछ तो भाव दो बे मुझे, तुम लोग तो गए आज, यार कोई इज्जत ही नहीं है मेरी। हेलो सर, आई एम अ घोस्ट। हेलो यार, डरते क्यों नहीं है ये, सो रहे हैं क्या, नींद में है क्या, रुको बे। ओए घोस्ट हूँ, देखा मेरी पावर, ये देख मेरी पावर, आई एम अ घोस्ट, घोस्ट हूँ मैं। अबे डर ना तू, यार ये डर क्यों नहीं रहे, एक सेकेंड, डरने के लिए बोला ना बे तुझे, यार क्या है ये पुलिस वाले, कोई रिएक्शन ही नहीं आया इनकी तरफ से। अबे घोस्ट हूँ मैं, कोई कुछ तो इज्जत दो भाई मुझे, हद है यार हद है। अंदर वाले पुलिस वालों को डराने चलते हैं, तुम लोग तो गए अंदर वाले पुलिस वालों। ओ तेरी, ओ भाई वेट, गन लेके आ गई ये तो सीधे, आर यू सीरियस, यार ये तो गन लेके आ गया, अबे भूत के अगेंस्ट गन कौन यूज करता है बे। ओ नो गाइस नो, आर यू सीरियस भाई, ये बंदे सच में गन लेके आ गए हैं,
अब क्या करूं, मैं डराऊं कि नहीं? और डराना तो पड़ेगा यार, इतना बढ़िया गेटअप लिया है, इतनी बड़ी मैंने स्टोरी बिल्ड की है बंदे से, एक शराबी वाले बंदे से मैंने बढ़िया से स्टोरी बुलवाई है यार। नहीं नहीं डराना तो पड़ेगा, क्या करूं, लेकिन गन चला रहे हैं यार वो लोग। कोई बात नहीं, आई एम अ घोस्ट, मुझे गन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यस, मुझे गन से कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, पड़ता है वो, मैं गोलियां लग रही है भाई, वो आराम से हेल्थ चली जाएगी, मैं घर का क्या करूंगा फिर। अरे यार ये तो गोलियां चला रहे हैं यार, नहीं मुझे लग रहा भागना पड़ेगा गाइस, भागो भागो, वो बहुत सारे आ गए, बहुत सारे आ गए, बहुत सारे आ गए, भागो, नहीं नहीं भागो, भागते रहो भागते रहो भागते रहो। अरे भूत का कुत्ता बना दिया यार, कहाँ मैं भूत बन के मस्त इन्हें डरा के अपना घर खाली करवाने वाला था, लेकिन ये तो गोलियां ही चलाए जा रहे हैं और भूत को ही भगा दिया इन्होंने तो। नहीं यार ये प्लान मेरा फ्लॉप हो गया, कितना बढ़िया भूत का गेटअप लेके आया था, शराबी बंदे से मैंने क्या स्टोरी भी बुलवाई थी भाई, मस्त सारा सेटअप हो गया था, लेकिन यार ये लोग गन लेके आ गए सीधे, भूत से गन लेके कौन फाइट करता है भाई। भागो भागो भाई भागो भागो, यही सही है, भागो यहाँ से, भगाओ अपनी बाइक। अबे यार मेरा एक और प्लान फ्लॉप हो गया भाई, अब क्या ही करूँ मैं, परेशान परेशान कर दिया भाई पुलिस वालों ने तो, परेशान कर दिया मुझे, हद है भाई हद। कितना बढ़िया सेटअप था, सब कुछ बढ़िया था इस प्लान में, सब कुछ सही था भाई, एकदम बढ़िया तरीके से उस शराबी ने भाई सारी प्लानिंग बताई, सारी स्टोरी बताई, उसके बाद मैं बिल्कुल सही तरीके से घोस्ट वोस्ट का गेटअप लेके गया था भाई। डरावना तो लग ही रहा हूँ यार, मैं अच्छा खासा डरावना लग रहा हूँ, अंधेरी रात में किसी बंदे का सामना हो हालत खराब हो जाए बंदे की, बट स्टिल पुलिस वालों ने पीट पाट के भगा दिया यार। अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं, अब तो मेरे पास कोई प्लान नहीं है, बट नहीं मुझे अपना घर खाली करवाना है अगर पुलिस वालों से, तो प्लान्स तो सोचने ही पड़ेंगे, बट अभी तो फिलहाल रात हो रही है, कहाँ ही जाऊँ मैं, इधर ही कहीं सो जाते हैं, नीचे प्लेग्राउंड दिख रहा है यार, उसी में जाके सोने वाला हूँ मैं। कहाँ गया प्लेग्राउंड, ये रहा मस्त खाली जगह है, यस बेंच पे सो जाऊँ या फिर इसमें, क्या बोलते हैं इसे, पता नहीं है, बच्चे खेलते रहते हैं। हाँ ये थोड़ी कम्फर्टेबल जगह लग रही है, हेलो क्या मैं इसमें सो सकता हूँ प्लीज़, चढ़ जाए यार, नहीं सो सकता लगता है इस पर, ठीक है बेंच पे ही सो जाते हैं। गुड नाइट एवरीवन, मिलता हूँ मैं तुम लोगों से कल सुबह, आगे की प्लानिंग करेंगे, टेंशन मत लो यार, घर तो मैं अपना खाली करवा के रहूँगा इन पुलिस वालों से। गुड नाइट अभी के लिए तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, ब्यूटीफुल सी सुबह हो चुकी है, और फटाफट से यार पहले तो ये हुलिया चेंज करते हैं, वरना अभी तो रात को भले ही डरावना लग रहा था, बट दिन में तो जोकर लग रहा हूँ मैं। नहीं यार मैं अच्छा खासा डरावना बना था, मेरे प्लान की ऐसी तैसी कर दी पुलिस वालों ने, वो बंदे नॉर्मल वॉकिंग वॉकिंग के लिए आ रहे हैं यार, पहले ड्रेस चेंज करो वरना क्या कहेंगे ये। इधर ही कोपचे में बदल लेते हैं ड्रेस, पेड़ के पीछे चलो, पेड़ के पीछे, पेड़, अबे लेकिन पेड़ के पीछे क्यों जाना है, चड्डी बनियान में आ जाते हैं, इससे तो ठीक ही है। ओके वेलकम बैक एवरीवन, सारे कपड़े ही निकाल दिए मैंने अभी, ठीक है। इधर बंदे कुत्ते उत्ते लेके आए हैं, सही टाइम पे मैंने कपड़े निकाल दिए वरना कुत्ते पीछे पड़ जाते भाई। ये देखो कितने सारे डॉगीज बंदे लेके आते हैं, वैसे क्या ब्यूटीफुल जगह है यार, मुझे भी इधर कहीं घर परचेज कर लेना चाहिए सच में, मेरे घर के आगे बिल्कुल भी जगह खाली नहीं है, और दूर दूर तक कोई पार्क कोई प्लेग्राउंड कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पर ये वाली जो जगह है सीरियसली में यार कितनी अच्छी जगह है, बढ़िया सा इन लोगों ने पार्क बना रखा है, स्ट्रीट लाइट्स भी लगवा रखी है, अच्छी जगह है। खैर वो सब छोड़ो, और अभी आगे सोचते हैं यार आगे क्या करना है। वैसे कल जो पुलिस वालों ने मेरे संग किया ना भाई, कुत्ता बना के एक भूत को भगाया है, बहुत ही ज़्यादा गलत किया इन पुलिस वालों ने मेरे संग, इसका बदला तो मैं लूँगा बट अभी नहीं बाद में, अभी तो मुझे अपना घर खाली चाहिए। और वेट, मेरे पास एक और फिर से खतरनाक ब्यूटीफुल सॉलिड आइडिया आ चुका है, और वो आइडिया ये है, देखो वो आइडिया इतना बढ़िया है भाई कि उसमें मेरा घर भी खाली हो जाएगा, और पुलिस वालों से मैं अभी जो बदला लेने की बात कर रहा था उसमें मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। अब वो आइडिया क्या है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये मेरा आइडिया नंबर है 3। तो इस आइडिया में मैं क्या करूँगा भाई, पुलिस वालों की किडनैपिंग करूँगा। यस बिल्कुल सही सुना तुम लोगों ने, जो भी पुलिस वाला अकेला दिखेगा मेरे घर के आजू बाजू सिंपली उसे उठा लेंगे, किडनैप कर लेंगे, उसके बाद एक और पुलिस वाला उठा लेंगे किडनैप कर लेंगे, उसके बाद एक और पुलिस वाला किडनैप कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से दहशत फैल जाएगी पुलिस वालों में कि ओ भाई ये इलाका बड़ा खतरनाक है, यहाँ तो सीधे पुलिस वालों की किडनैपिंग हो रही है, एंड शायद उसके बाद पुलिस वाले उस जगह को खाली करके चले जाएं। ऐसा होगा ना भाई, क्योंकि मेरा भूत वाला प्लान इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ है कि मुझे नहीं लग रहा ये प्लान वर्क करेगा, बट नहीं यार इस प्लान में सीधा पुलिस वालों की जान पे बात आ रही है, तो डेफिनेटली वो मेरा घर खाली करके चले जाएंगे मुझे ऐसा लगता है, शायद एग्जीक्यूट करते हैं। चलो भाई किडनैपर वाली ड्रेस, किडनैपर वाली वैन, सब कुछ
गुलिया वुलिया सब कुछ चेंज करके आते हैं, बन के आते हैं किडनैपर, एंड एक किडनैपर वाली वैन भी लेकर आते हैं और पुलिस वालों को किडनैप करके ऐसे दहशत फैलाते हैं भाई कि पुलिस वालों के बीच में खौफ आ जाए कि भले ही घोस्ट वाली जो बात है वो असली हो या नकली हो, बट ये किडनैपिंग वाली बात बहुत ही ज़्यादा असली है और ये तो बिल्कुल सच है कि पुलिस वाले किडनैप हो रहे हैं, शायद इस बार खौफ आ जाए और ये लोग इस जगह को खाली करके चले जाएं शायद। चलो भाई सबसे पहले चलते हैं और हुलिया चेंज करते हैं। भाई इधर कपड़ों की दुकान हुआ करती थी भाई, कहाँ गई? ओके ये रही, फटाफट से पहले यहाँ से ड्रेसअप चेंज करते हैं और नकली दाढ़ी मूंछ तो अपने पास है ही। दिस इज़ माई न्यू लुक। भाई साहब पूरा लुक ही चेंज हो गया यार, कैसा अजीब सा ही बंदा लग रहा हूँ मैं। शीशा वीशा नहीं है इधर? अब शीशा, ओ ये तो रहा। ओ कपड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन किडनैपर वाले कपड़े ऐसे होते हैं? ठीक ही है, ओ ग्लव्स भी चाहिए भाई, ग्लव्स भी चाहिए। ठीक है अभी सब कुछ ठीक है, और अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे एक वैन चाहिए, बट वैन कहाँ से लाऊँ मैं? वो जो टेम्पो छोड़ा है उससे काम हो जाएगा, बट टेम्पो में किडनैपिंग वाला फील नहीं आता। आई नीड अ वैन भाई, वैन। बट वैन ढूंढना भी तो मुश्किल है। ओह वेट, उधर शायद मुझे एक वैन दिखी। हाँ वैन ही तो है ये। ओह नाइस, बढ़िया। ओ ऐसी तो वैन चाहिए थी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नाइस, बढ़िया है गाइस। काम करते अपनी बाइक को यहीं पर छोड़ते हैं, एंड यहीं छोड़ देते हैं भाई, और इसको लेकर निकलते हैं यहाँ से। चलो यस, बाद में ध्यान रखेंगे, बाइक यहाँ पर है अपनी। और अब फिर से खौफ फैलाने की कोशिश शुरू। आ रहा हूँ पुलिस वालों, खौफ तो फैला के रहूँगा और अपना घर तो खाली करवा के रहूँगा तुम लोगों से, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने घर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज पहुँच चुका हूँ मैं, लेकिन अब मेरा घर रहा कहाँ? पुलिस स्टेशन के। बट नहीं, वो मेरा घर मेरा ही रहेगा, चाहे पुलिस वाले पुलिस स्टेशन ही क्यों ना बना दे। तो मैं अपने घर के, जो कि अब पुलिस स्टेशन बन चुका है बट जिसे मैं घर बना के रहूँगा, उसके बहुत ही ज़्यादा क्लोज पहुँच चुके हैं। और अभी एक सेकंड यार, पुलिस वालों के सामने से तो एक पुलिस वाला किडनैप नहीं करूँगा, कोई पुलिस वाला इधर उधर निकलेगा तब उसे किडनैप करेंगे। तो एक काम करते हैं, वैन को यहीं खड़ी करके और इंतज़ार करते हैं किसी पुलिस वाले के आने का। यस डेफिनेटली, बढ़िया, आने दो भाई किसी पुलिस वाले को, इधर उधर तो जाएगा ही, ऑब्वियस सी बात है, कोई बस उसे वहीं दबोच के किडनैप कर लेंगे। काफ़ी देर से यार यहाँ पर इंतज़ार कर रहा हूँ, दोपहर हो गई और फाइनली एक पुलिस वाला मुझे आता हुआ दिख रहा है। ओके आने दो आने दो, इसे थोड़ा सा और आगे आने दो। वैन लेके मैं यहाँ पर बिल्कुल तैयार हूँ भाई, आते ही पीछे से हमला करके किडनैप करके वैन के अंदर डाल देंगे इसे। वैन का दरवाज़ा तो खोला ही नहीं है मैंने, कोई बात नहीं, पीछे से जाओ एंड दे मारो ज़ोरदार फटका। नाइस, अब डालो वैन के अंदर फटाफट फटाफट। ओके वैन के अंदर डाल दिया मैंने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सॉलिड। अब इसे ले जाके कहीं पर तो पैक करना पड़ेगा, कहीं पर तो इसे फेंकना पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल बेहोश ही है ये, इसको कहाँ ले जा के रख दें यार? पास में एक खाली गैराज है जिसको कोई यूज़ नहीं करता है, तो एक काम करते हैं वहीं ले जा के इन पुलिस वालों को रखते हैं जिनको भी मैं किडनैप करूँगा। और वैसे भी मैं इनको इस तरीके से बेहोश कर रहा हूँ भाई कि आराम से 4-5 घंटे या फिर अगले एक दिन तक उठने नहीं वाले हैं, तो इसीलिए टेंशन नहीं है इनके बारे में कोई। बढ़िया सी एक जगह हो खाली जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, वहाँ छुपा देते हैं। तो इधर पास में एक छोटा सा गैराज है को कोई भी यूज़ नहीं करता है, तो वहाँ छुपा दूंगा मैं इसे। देख रहे हो खौफ बनाने की कोशिश हो रही है, बस एक बार खौफ बन जाए अपना घर खाली हो जाएगा। ये वाले गैराज की मैं बात कर रहा था भाई, ये देखो यहाँ पर ये गैराज है, तो पूरा ही खाली है, इसमें कोई भी आता जाता नहीं है। तो यहाँ पर इस पुलिस वाले को फेंक देते हैं, और गैराज का दरवाज़ा एकदम ही ऑटोमेटिक है, तो वहाँ पर मैंने पुलिस वालों को गिरा दिया। अब जैसे ही इधर बाहर जाऊँगा मैं, गैराज अपने आप ही बंद हो जाना चाहिए। अबे क्यों नहीं हुआ बंद? हो के हो गया, तो इस तरीके से यहीं ड्रॉप करके चले जाएंगे पुलिस वालों को। अब कौन ही इन्हें अलग जगह पे ले जाके रखे भाई, मैं कौन सा प्रोफेशनल किडनैपर हूँ जो अभी पैसे मांगूंगा कि भाई तुम्हारे पुलिस वाला हमारे कब्जे में है पैसे दो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे बस खौफ बनाना है। तो चलो भाई वेट करते हैं किसी और पुलिस वाले के आने का, और उससे भी किडनैप करके लाते हैं। एक और पुलिस वाला किडनैप करके ला चुका हूँ, अब टोटल 2 पुलिस वाले हो गए भाई, बढ़िया। चलते हैं एक और किडनैप करके लाते हैं, और अपना ही आज का तीसरा शिकार डालो वैन में। टोटल आज ही के दिन भाई 3 शिकार कर दिए, 3-3। यस, और ये आ गया तीसरा पुलिस वाला। 3 पुलिस वाले किडनैप हो गए यार, अब तो दहशत फैलेगी दहशत। अब तो इधर किडनैपर, एक ऐसा किडनैपर जो सिर्फ पुलिस वालों को किडनैप करता है, इस बात का खौफ फैलेगा भाई पुलिस वालों के अंदर। एंड तुम लोग देखना कल पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन खाली हो चुका होगा भाई, पूरा पुलिस स्टेशन खाली हो चुका होगा, सारे पुलिस वाले छोड़ के जा चुके होंगे।
चलो अब बस वेट करना है कल सुबह का। यस गाइस बस सुबह तक का इंतजार करते हैं। गुड नाइट। अब गया। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो तुम लोग? एंड पुलिस के सायरन की आवाज़ आ रही है। अच्छा लग रहा है पुलिस वाले छोड़ के जा रहे हैं। और पुलिस की गाड़ी पलट गई भाई वहाँ पे। पता नहीं क्या मामला पानी हुआ है। पुलिस वाले चेकिंग कर रहे हैं क्या किडनैपर वगैरह को पकड़ने के लिए? पता नहीं भाई, ट्रक वाले को मेरे सामने उड़ा दिया। और भाई साहब मुझे लग रहा है पुलिस वाले शायद खाली करके जा रहे हैं। वैसे गाड़ी पलट गई इनकी। सही है सही है सही है, मेरा घर खाली हो जाएगा। अब मैं बिंदास अपने घर पे रह पाऊंगा। तो देखा भाई, इस तरीके से कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। और आखिरकार मेरी भी हार नहीं हुई, मेरी भी जीत हुई। कोशिश करता रहा मैं और फाइनली अपना घर खाली हो चुका है। चलो चलो भाई, बिंदास अपने घर के स्विमिंग पूल में एक डुबकी लगाते हैं। अबे यार एक सेकंड, मेरी जीत हुई है कि हार हुई है? अबे इधर तो बहुत सारे पुलिस वाले आ गए। अबे कल तक तो 4-5 ही थे भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही आ गए पुलिस वाले। आर यू सीरियस भाई, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? ये देखो ये कितने सारे पुलिस वाले आ गए भाई। अरे यार मुझे तो लगा पुलिस वाले 2-4 पुलिस वालों की किडनैपिंग करूंगा, इनके अंदर खौफ फैलेगा और सोचेंगे कि भाई रहने दो ये इलाका खतरनाक है, वापस अपने नॉर्मल वाले पुलिस स्टेशन पे चलते हैं और ये लोग मेरा घर खाली छोड़ के चले जाएंगे। बट नहीं, ये तो बढ़ गए यार पुलिस वाले। रुको जरा इनसे बात करके आता हूँ, वैसे भी ये मेरे को पहचानेंगे नहीं भाई, पूरा हुलिया चेंज कर रखा मैंने। एक्सक्यूज मी सर, काफ़ी सारे यहाँ पर पुलिस वाले नज़र आ रहे हैं, क्या हो गया है यहाँ पर? इस घर में कुछ हुआ है क्या? अच्छा आप लोग इस घर को पुलिस स्टेशन बनाने वाले हो, ओके। लेकिन इतने सारे पुलिस वाले अचानक से, कल तक तो कम थे। ओ मेरा प्लान उल्टा ही वर्क कर गया भाई। मेरे प्लान ने देखो गाइस वर्क तो किया है, बट उल्टी डायरेक्शन में मेरा प्लान वर्क कर गया। सीन क्या हुआ, कल यहाँ पर मैंने भाई 3 पुलिस वाले किडनैप किए इस उम्मीद में कि पुलिस वालों के अंदर खौफ फैलेगा और पुलिस वाले मेरा घर खाली छोड़ के चले जाएंगे। बट इन पुलिस वालों में और जोश आ गया और ये लोग कह रहे हैं कि ओ भाई इस इलाके में तो लगता है ज़्यादा ही क्रिमिनल है और कुछ ज़्यादा ही खतरनाक क्रिमिनल है, तभी तो पुलिस वालों को किडनैप कर लिया। अपनी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, और पुलिस फोर्स बुलाओ, और पुलिस फोर्स बुलाओ, और पुलिस फोर्स बुलाओ कर करके इतनी पुलिस फोर्स बुला दी और अभी और भी पुलिस वाले आ रहे हैं। अबे यार मेरा प्लान उल्टा ही वर्क कर गया, मैंने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली भाई। मैंने तो सोचा था कि ओ भाई मेरा क्या एपिक प्लान है, पुलिस वालों में खौफ फैलेगा और सोचेंगे कि इधर क्रिमिनल खतरनाक है, छोड़ो भाई। लेकिन नहीं, ये तो और खुश हो गए कि भाई इलाके में कुछ ज्यादा ही क्रिमिनल है, इधर इधर बनाएंगे पुलिस स्टेशन। और अब तो इनका यकीन और भी ज्यादा पक्का हो गया और अब तो ये पुलिस स्टेशन बना के ही मानेंगे लगता है, क्योंकि बहुत सारी पुलिस फोर्स आ रही है भाई। मेरा प्लान उल्टा हो गया। अब मैं क्या करूं भाई, लिटरली में मेरा प्लान पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया। गुस्सा आ रही है मुझे गुस्सा आ रही है। अब उन तीनों पुलिस वालों को होश आ गया होगा, अभी तो वो लोग निकल भी जाएंगे। छोड़ो यार मैं वहाँ पे नहीं जा रहा, अब गैराज में अपने आप ही होश आएगा और वो लोग जब होश में आएंगे तो वो चले जाएंगे। बट सीरियसली में भाई, मैंने कुछ ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई ये लोग डरेंगे और जगह खाली कर देंगे, बट ये लोग तो और ज़्यादा आ गए, पूरी बहुत ज़्यादा आ गए, बल्कि सारे पुलिस फोर्स को ही बुला लिया इन लोगों ने इस इलाके में। अब तो ये लगता है यहाँ पर डेफिनेटली पुलिस स्टेशन बना के ही मानेंगे। बट मेरे घर का क्या, मेरा घर मुझे वापस कैसे मिलेगा? काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन और मुझे आ रही है अब गुस्सा। सीरियसली भाई, एक तो मेरी बाइक कहाँ है? अच्छा हाँ, वहाँ कहीं मूवी थिएटर के बाहर बाइक पार्क करके आया था मैं। चलते हैं यार अपनी बाइक ज़रा लेकर आते हैं, बिना बाइक के बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। बट अभी मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हूँ यार, मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे घर को मैं वापस कैसे लूँ भाई पुलिस वालों से। टोटली कन्फ्यूज्ड। तुम लोगों के पास कोई आइडिया है तो यार बताओ जाकर कमेंट में। यस अभी क्या, अभी जाओ और कमेंट सेक्शन पूरी तरीके से ओपन है भाई, बताओ जाकर क्या प्लान यूज़ करना चाहिए मुझे इन पुलिस वालों के अगेंस्ट, ताकि मुझे अपना घर वापस मिल जाए। क्योंकि अभी तक जितने भी प्लान्स यूज़ किए सारे फ्लॉप गए हैं भाई, और ये लास्ट वाला तो कुछ ज़्यादा ही बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। पहला प्लान था वो चूहे वाला, वो तो रहने ही दो, वो तो बिल्कुल बकवास प्लान था। वैसे प्लान तो अच्छा ही था, लेकिन पुलिस वालों ने कुछ ज़्यादा ही दिमाग का इस्तेमाल कर लिया। फिर दूसरा प्लान था भाई वो भूत वाला, वो भी पूरा फ्लॉप हो गया। भूत का ड्रेसअप तो मैंने अच्छा ही किया था, बट गोलियां चलाने लग गए, भागना पड़ गया। तीसरा प्लान था ये किडनैपिंग वाला, खौफ फैलाने वाला, बट इन लोगों ने तो उल्टा और पुलिस फोर्स को बुला लिया यहाँ की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को सॉल्व करने के लिए।
अब कुल मिला के मैं हर तरफ से फंस गया हूँ भाई। तो अब तुम लोग बताओ जाकर कमेंट में भाई, आगे मुझे इन पुलिस वालों के खिलाफ क्या प्लान एग्जीक्यूट करना चाहिए, और बिल्कुल सही से प्लान बताना भाई, जो कि एग्जीक्यूट हो जाए और मेरा घर मुझे वापस मिल जाए, दोबारा से मैं फंस ना जाऊँ। तो बताओ यार कमेंट में अगर तुम लोगों के पास कोई प्लान है तो। और मेरी बाइक कहाँ चली गई। बाकी आज की वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये रही मेरी बाइक, लेके चलो भाई। तो यस गाइस, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। गुड बाय।